वित्त मंत्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने न्यू सर्किट हाउस सिविल लाइन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में महतारी वंदन योजना कार्यक्रम के संबंध में प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम 70,12,600 महिलाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह देने जा रहे हैं। बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम हमारी भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो कह के दिखाती है। 70 लाख से अधिक महिलाओं को हम 1,000 रुपये देने जा रहे हैं। सालाना 12,000 रुपये हम देंगे सभी महिलाओं को जो विवाहित महिलाएं हैं उनको। और कल 10 मार्च को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गौरव में जुड़कर सभी महिलाओं को 1,000 रुपये दिया जाएगा। और हमारी महिलाएं जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी से मांगे उनको मांगना नहीं पड़ेगा। हमारी महिलाएं और हमारी सरकार अब उनको 1,000 रुपये देने जा रही है और महिलाएं काफ़ी खुश हैं, उत्सुक हैं। कल बड़ा एक कार्यक्रम होने भी जा रहा है हमारे यहाँ के उपस्थित छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री माननीय मोदी चौधरी जी, स्वास्थ्य मंत्री माननीय जायसवाल जी ने उनके माध्यम से भी आप सभी को बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध हो पाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण होने की गारंटी को हमारी विश्वविद्यालय के रूप में सरकार पूरा करने जा रही है कल 10 मार्च के बाद। दोस्तों, आप सभी को याद है कि जो जन घोषणा जो हमारा संकल्प पत्र आया था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि माताओं बहनों को 1,000 रुपये महीना का साल का 12,000 रुपया मुहैया कराया जाएगा। और उसी के अनुरूप हमारी सरकार के अभी 100 दिन भी पूरे तरह से पूरे नहीं हुए हैं और जो महत्वपूर्ण वादा को भी हमारी सरकार ने, विष्णुदेव साय जी की सरकार ने पूरा किया है। आप सभी लोगों को जब भी आप लोगों ने देखा होगा कि बजट में, इस वर्ष के बजट में जो हमने 10 रणनीतिक बिंदु निर्धारित किए, 10 स्ट्रेटजिकल पिलर निर्धारित किए, उसमें पहला बिंदु हमारे आर्थिक विकास का जो केंद्र बिंदु होगा वो ज्ञान होगा। ये बात हमने रखी थी, ज्ञान में जी का अर्थ है गरीब, वाई का अर्थ है युवा, ए का अर्थ है अन्नदाता, एन का अर्थ है नारी शक्ति। इन पर समर्पित हमारा बजट रहा है। हमारे संकल्प पत्र में मोदी की गारंटी के तहत भी महत्वपूर्ण बिंदु था और द्वितीय अनुपूरक बजट हमारी सरकार बनते ही जो पहली बार जो द्वितीय अनुपूरक बजट लाया गया उसमें ही शुरुआती चरण में ही इसका बजटीय प्रावधान इस योजना के लिए कर दिया गया था। और इस योजना के अंतर्गत आप सभी लोगों को ज्ञात है कि 1 जनवरी 2024 को 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर रही माताओं को, बहनों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाएं भी इसके अंतर्गत लाभान्वित होंगी। इसमें निश्चित रूप से कुछ क्राइटेरिया रखा गया है, आयकर भरने वाले लोगों का, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 वाले कर्मचारियों का, वर्तमान विधायक परिवारों का, वर्तमान पूर्व सांसदों के परिवारों का, पूर्व बोर्ड निगम मंडलों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों को, इन सब लोगों के परिवारों को इसमें योजना का लाभ देने के लिए एक रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है, विष्णुदेव साय जी की सरकार के संबंध में मोदी की गारंटी के लिए किस स्तर तक विष्णुदेव साय जी की सरकार कमिटेड होकर यह काम कर रही है, इसको आप देख सकते हैं। 25 दिसंबर की तारीख दी गई थी 2 साल का बोनस देने के लिए, 12 लाख किसानों को 16 करोड़ रुपए 25 दिसंबर की तारीख को पूरा किया गया। पहले ही कैबिनेट में
निर्णय ले लिया गया कि 18 लाख ग्रामीणों को आवास देने का काम यशोदेव साय जी की सरकार करेगी। और अभी आपने देखा दो तीन दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह प्रवेश हुआ और मोर आवास मोर अधिकार जो आंदोलन हमने पूरे प्रदेश स्तर पर चलाया और विधानसभा का घेराव किया, उस दिन भी हमारी पार्टी ने ऐलान किया था कि मुख्यमंत्री जी अपने घर में प्रवेश करेंगे उससे पहले 18 लाख आवासों का निर्णय ले लिया। वह निर्णय पहले कैबिनेट में विष्णुदेव साय जी की सरकार ने लिया। इसके अलावा कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत लगभग 13,000 करोड़ रुपए की राशि को किसानों के खाते में डालने का काम आने वाले समय में बहुत जल्द चंद दिनों में करने जा रही है हमारी सरकार। और महतारी मंडल योजना जो बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम है माताओं बहनों की दृष्टि से, माताओं के बहनों के आत्मसम्मान की दृष्टि से, उनके वुमन एम्पावरमेंट नारी सशक्तिकरण की दृष्टि से, जब आप भी मानेंगे किसी भी परिवार की महिला के हाथ में जब पैसा जाता है उस पैसे का सदुपयोग होता है बच्चों के स्वास्थ्य पर, पोषण पर, दूध पर, शिक्षा पर, इस तरह के विषयों पर खर्च होता है। इसलिए विष्णुदेव साय जी की पालनहारी सरकार, विष्णुदेव साय जी की संवेदनशील सरकार ने निर्णय लिया, तत्काल निर्णय लिया, 100 दिन के पहले ही निर्णय लिया कि कल 10 मार्च को 70 लाख से अधिक माताओं बहनों के खाते में इस योजना का लाभ पहले चरण में हस्तांतरित किया जाएगा। इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है, इसके लिए मैं आदरणीय मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े जी को, उनके पूरे विभाग को, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि जैसे ही ये निर्णय लिया गया उसके बाद महज 3 दिवस के भीतर, 3 दिन के भीतर ही पोर्टल बनाने का काम कंप्लीट किया गया। QRN पोर्टल तैयार किया गया, 3 फरवरी को आवेदन भरे जाने हेतु पोर्टल लॉन्च कर दिया गया और 5 फरवरी से हितग्राहियों से दोनों तरीके से फॉर्म लिए गए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से फॉर्म लिए गए। ऑफलाइन जो फॉर्म लिए गए उसको आप समझ सकते हैं कितना बड़ा चैलेंज था कि 5 फरवरी से आवेदन लेना चालू किया गया और महज 15 दिवस के भीतर महिला बाल विकास विभाग ने 70 लाख से अधिक आवेदनों का कलेक्शन करके दिखाया और उनको ऑनलाइन करना था। इस चुनौती को भी विभाग ने बखूबी पूरा किया। इसके लिए 68,000 से अधिक यूजर आईडी तैयार किए गए, उसके माध्यम से ऑफलाइन फॉर्म्स को अपलोड किया गया, 70 लाख फॉर्म को अपलोड किया गया। इसके पश्चात 20 फरवरी तक 5-15 दिनों के भीतर में और इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करते हुए सारे खातों को की आधार सीडिंग सुनिश्चित करते हुए ताकि किसी प्रकार का कोई फर्जीवाड़ा न कर सके, कोई पति भी अपना नंबर अपने खाते का नंबर ना दे सके, पत्नी का पता चला आधार कार्ड दे दिया, खाता नंबर दे दिया खुद का, उस स्थिति में पैसा उसके खाते में जा सकता था। इसलिए आधार सीडिंग भी इसी दौरान 1 महीने के समय के भीतर ही किया गया और यह सब प्रक्रिया पूरा करते हुए महज 1 माह के भीतर मैं मानता हूँ कि प्रदेश की अब तक की सबसे बड़ी योजना जिसमें पहले चरण में पहले दिन में 70 लाख माताओं बहनों को हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है, इतने बड़े कार्यक्रम को, इतने बड़े अभियान को महज 1 माह में महिला बाल विकास ने लक्ष्मी रजवाड़े जी के नेतृत्व में पूरा किया है, ये हमारे पूरे सरकार के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। और इस विभाग को लीड करने का काम एक युवा महिला मंत्री कर रही है, यह भी हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। कल 10 मार्च को पूरे छत्तीसगढ़ के 146 ब्लॉक मुख्यालयों में महतारी बंधन योजना का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम प्रदेश भर का जो होगा वो साइंस कॉलेज प्रांगण में होगा, जिसमें प्रधानमंत्री जी ऑनलाइन रूप से सम्मिलित होंगे वर्चुअल माध्यम से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिलासपुर, दंतेवाड़ा, जांजगीर, जसपुर एवं रायपुर जिले की ग्रामीणों से सीधा संवाद भी करेंगे और 146 लाख मुख्यालयों में 5 लाख से अधिक हमारी बहनें इस कार्यक्रम में तो सम्मिलित होंगी और सभी जगह LED के माध्यम से टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 5 लाख से अधिक हमारी छत्तीसगढ़ की माताएं बहनें सुन सकेंगी।
कल 10 मार्च को यह कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, देश ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता सम्मिलित होंगे। हमारे छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के साथ सीधा संवाद भी वो स्थापित करेंगे। इस तरह से विष्णुदेव साय जी की सरकार द्वारा लॉन्च की गई आज तक की मैं मानता हूँ छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी योजना है, जिसमें महज 15 दिनों के भीतर 70 लाख से अधिक काम कराए गए, उसको ऑनलाइन किया गया, आधार सीडिंग की गई और पूरा टेक्नोलॉजिकल फुल प्रूफ करते हुए आज हम 1 माह के समय के भीतर ही 70 लाख माताओं बहनों को पैसा हस्तांतरित करने की स्थिति में है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में कल पूरे प्रदेश के 146 सेंटर्स में 146 लाख मुख्यालयों में और इसके अतिरिक्त नगर निगम क्षेत्रों के 13 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें 5 लाख से माताएं बहनें 5 लाख से अधिक माता बहनें हमारी सम्मिलित होंगी। यह युवाकारी क्रांतिकारी और ऐतिहासिक रिकॉर्ड वाली योजना विष्णुदेव साय जी की सरकार लक्ष्मी रजवाड़े जी का विभाग छत्तीसगढ़ प्रदेश में लॉन्च करेगा। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस